हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी हिमालय हर्बल के मेरे पास दो पील ऑफ मास्क हैं। एक जो है नीम और टर्मरिक का है, दूसरा ऑरेंज और हनी का है। मेरे पास सबसे पहले प्यूरिफाइंग नीम पील ऑफ मास्क लाइटनेस पिंपल मास्क, जो कि नीम और टर्मरिक का है, और ये हमारी स्किन में से इम्प्योरिटीज़ जो है उनको रिमूव करेगा। आप देख सकते हैं 50 ग्राम का ये प्रोडक्ट है, 70 रुपये में ये मुझे मिला है। मैंने इसे लोकल स्टोर से ही ख़रीदा है। आप इसे कहीं से भी इजी डे से या फिर किसी भी मॉल से कहीं से भी स्टोर से किसी से भी ख़रीद सकते हैं। ये प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा अमेजोन फ्लिपकार्ट से। और देखिए, मैंने इसे अपने हाथ पे लगाया है, ग्रीन कलर का ये निकला है। और आप इसे अपने फेस पे लगाएं, अगर आपको कोई एलर्जी हो फेस पे या फिर आपको डर लगता हो कि ये टैन रिमूवल पैक कैसा निकलेगा कैसा नहीं निकलेगा, तो प्लीज़ आप इसे पैच टेस्ट करके ज़रूर देखिएगा। और आप अपने इसे कान के पीछे लगाइएगा या फिर आप इसे अपने हाथ पे भी लगा सकते हैं। और उसके बाद है मेरे पास टैन रिमूवल ऑरेंज पील ऑफ मास्क। ये तो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सेकेंड है मेरे पास, पहला मैंने इसे ख़त्म कर दिया है। इसको भी हमने 10 और 15 मिनट तक लगाना है। पहले हमें अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है, उसके बाद ही हमें इसे लगाना है। और ये हमारी स्किन को स्मूथ भी करेगा और हमारी स्किन में जो टैन है, सन टैन हुआ है, उसे भी रिमूव करेगा। ये पील ऑफ मास्क जो है ऑयल को भी कंट्रोल करेगा, और जो हनी है हमारी स्किन को लाइटनिंग भी करेगा और हमारी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा, और ऑरेंज भी हमारी स्किन को ये वाइटनिंग करेगा, वाइटनिंग इफेक्ट देगा, और टैन को हमारी स्किन से बिल्कुल ही रिमूव कर देगा। मुझे तो ये दोनों अच्छे लगे हैं। इन दोनों का ही आप पैच टेस्ट ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद ही लगाइएगा। ऐसा ना हो कि किसी की स्किन सेंसिटिव हो या फिर किसी को कोई एलर्जी हो और उसकी वजह से आपको ये सूट ना बैठे ये पील ऑफ मास्क। क्योंकि कुछ लोग जो हैं यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, कुछ लोग जो अगर पील ऑफ मास्क लगाते हैं तो वो रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पील ऑफ मास्क उन्हें जो उनकी स्किन पे बहुत ही दर्द करता है। ऐसा कुछ लोगों के साथ होता है, लेकिन आप प्लीज़ पैच टेस्ट ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए कितनी आराम से उतर रहा है। मैंने तो सिर्फ इसे 8-9 मिनट ही रखा है, ज़्यादा टाइम नहीं रखा है। अगर आप इसे 15 मिनट रखेंगे तो बिल्कुल आराम से उतरेगा और आपको मज़ा भी आएगा इसे उतारने में। मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब मैंने इसे उतारा है, मुझे कोई भी पेन नहीं हुई है। अगर आपको इससे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, आप नहीं उतार सकते, तो आप क्या करें, अपने हाथ को थोड़ा सा वेट कर लें, गीला कर लें, और उसके बाद इसे मल मल कर उतारें, तब ये उतर जाएगा। आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, आपकी स्किन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, कोई आपको एलर्जी नहीं होगी। देखिए स्किन कितनी स्मूथ हो गई है, और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ही अच्छी है। ऑरेंज सी, हनी सी, नीम, टर्मिक, सबकी इसमें फ्रेग्रेंस जो आ रही है अच्छी सी, और मुझे तो ये बहुत ही अच्छे लगे हैं। हमारी डेड स्किन को भी ये निकालते हैं और हमारे पिंपल के मार्क्स जो हैं उन्हें भी लाइटनिंग करते हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए दूसरा भी जो ऑरेंज का लगाया हुआ है पील ऑफ मार्क्स टैन रिमूवल है, जो उसे भी उतार रही हूँ। ये इसे उतारने में थोड़ी सी मुश्किल हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पतली लेयर जो है मैंने अपने हाथ पे लगाई हुई थी, इसे उतारना काफ़ी मुश्किल हो गया था, लेकिन ये भी आराम से उतर गया था। आप लेयर को जो है वो थोड़ी थिक लेयर लगाइए आप अपने फेस पे, जिसे उतारना अच्छा हो और आराम से वो उतर जाए। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब।